नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन असिस्टेंट में। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिकुलेशन एग्जाम 2020 के लिए डमी एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है। ऑनलाइन ही दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मिलान कर सकते हैं कि आपकी जो एडमिट कार्ड इशू की गई है वो उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर दोस्तों आपके डमी एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि है तो आप अपने विद्यालय से उस त्रुटि को ठीक करवा सकते हैं। इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डमी एडमिट कार्ड इशू किया है ताकि आप अपने डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकें और मिलान कर सकें। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनल एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा विभाग के द्वारा, तब आप किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं करवा पाएंगे। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसका मिलान कर सकते हैं। दोस्तों, डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहां से आप सीधे अपने एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जा सकते हैं और वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप, पीसी, किसी भी तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का होम पेज है। यहाँ पे आपको दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर एडमिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी डमी एडमिट कार्ड इशू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED के लिए भी डमी कार्ड इशू किया गया है। एनुअल एग्जामिनेशन में यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है व्यू प्रिंट डमी एडमिट कार्ड फॉर एनुअल एग्जाम 2021, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्च एडमिट कार्ड फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021। तो सबसे पहले आता है आपका स्कूल कोड। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना स्कूल कोड एंटर करें। उसके बाद दोस्तों आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको हर एक विद्यालय के द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आपको अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन संख्या नहीं मिला है तो अपने विद्यालय से संपर्क करें, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया जा चुका है विभाग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, तो आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर का जो फर्स्ट 5 डिजिट होता है वो आपके स्कूल का ही कोड होता है, उसे यहां पे इनपुट करें। और दोस्तों जैसे कि यहां दिखाया गया है ऑप्शन में, आपको यहां पे हाइफन देना है, तो हाइफन दें। उसके बाद दोस्तों नंबर टाइप करें, फिर जो अगले 5 डिजिट से नंबर है उसे टाइप करें, फिर हाइफन लगाएं, और उसके बाद दोस्तों 2 डिजिट का जो नंबर है वो टाइप करें। उसके बाद दोस्तों आता है डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों यहाँ पे आपने अपना सिंपली डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, कोई हाइफन कोई ओब्लिक नहीं लगाना है। इसके बाद सर्च पे क्लिक करें। देखिए दोस्तों डमी एडमिट कार्ड यहाँ पे हमारा जो है दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने डमी एडमिट कार्ड में मिलान कर सकते हैं कि जो भी एंट्रीज की गई है बोर्ड के द्वारा वो एकदम सही है। अगर दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता पाई जाती है, आप पाते हैं, तो आप बोर्ड से अपने स्कूल के माध्यम से इसे ठीक करवा सकते हैं। आप अपने स्कूल में इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब डमी एडमिट कार्ड आपको शो हो जाएगा तो आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए दोस्तों आपने सिंपली प्रिंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है तो दोस्तों आप इसे चाहे तो सेव एज PDF करके अपने सिस्टम में इसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।